आप बोलिए, आप नासिक से आई हैं, क्या नाम है आपका? सुलोचना पगारे। सुलोचना पगारे, यहाँ बराबर आती जाती रहती हैं आप लोग, क्या संदेश कुछ बोलना चाहती हैं? मी असा संदेश देईन की तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा इथे परिनिर्वाण झालेला आहे आणि त्यासाठी सर्वांनी दुःख शांतीसाठी दुःख इथे आल्यानंतर दुःखांच्या आपल्या काय म्हणू येणार ना काय दुःख निर्माण करण्यासाठी दुःखमुक्तीसाठी इथे येऊन आपण शील करुणा यांचा जर आपण केला त्यांचं जर दर्शन घेतलं तर आपलं दुःख आहे ना निवारण होतं आणि आपल्याला सुख प्राप्त होतं। त्यासाठी भगवान गौतम बुद्धांच्या करुणेला आपण शरण जावं असं। आप मैं ज्योति शिरसाट नाशिक से आई हूँ। यहाँ खास मैं कठिनची वरदान के लिए आई हूँ और यहाँ ये जो ठिकान है कुशीनगर, ये तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। तो ये यहाँ मैं सेकेंड टाइम है ये मेरा आने का और ख़ास ये प्रोग्राम के लिए मैं आई हूँ मंदाकिनी दानी के टीम के सोबर साथ। और मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ के महेंद्र भंती जी बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया है इन्होंने, और सब कार्यक्रम उन्होंने कल हमने देखा, सचमुच इतना मतलब दिल खोल के उनका ऐसा दिखता है। उनके जो सहकारी है वो भी बहुत सारे ऐसे प्रसन्न मन से सब अपनी सेवा दे रहे थे और कार्यक्रम इतना अच्छा उन्होंने पार पार दिया है सबको। मतलब हमको इतना इधर आने का, इतना यहाँ पे आने का हमको इतना ऐसा ये लगा कि बहुत मन में ऐसा प्रसन्न हुआ कि इतना हमको कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि एक कुशीनगर महापरिनिर्वाण हुआ है, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे भले मोटे बड़े बड़े प्रोग्राम होते ये पता नहीं था। तो हमारे अभी नासिक में जाके हमारे उपासक उपासिकों को जरूर बताएंगे, हमारी टीम को जरूर बताएंगे कि यहाँ कुशीनगर हर साल कठिन चिवरदान के लिए अपना इधर योगदान देना चाहिए और धम्मदान भी करना चाहिए। इतना बोल के मैं दो शब्द पूरा करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप? मेरा नाम शीला जाधव है, मैं भी नासिक से आई हूँ और दाने मैडम के साथ में आई हूँ। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो इंसान है, इंसानों के जैसा ही सलूक करना चाहिए और इंसानों जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। ऐसा ऊंच नीच, भेदभाव, जाति ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा गौतम बुद्ध ने संदेश दिया है। तो और ये कुशीनगर इतना अच्छा पवित्र स्थल है कि यहाँ ही चुना है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण दिन। तो हम लोग मतलब हम लोगों को पता था कि महापरिनिर्वाण मतलब हम लोग खाली विहार में आते थे और दर्शन करते थे और चले जाते थे, लेकिन महेंद्र भंते जी की वजह से हमें कुशीनगर क्या है क्या नहीं ये सब मतलब उनकी वजह से मालूम पड़ा और उनकी वजह से हम लोग कुशीनगर आया जाया किया और हम लोगों को पता चला कि यहाँ के लोग कैसे है कैसे नहीं, यहाँ का मतलब उन लोगों का कितना ज्ञान मिलता है यहाँ आके। वो लोग इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में से हम लोगों को मतलब लेके जाने के लिए बहुत कुछ है और हम सब मतलब लेके जा रहे हैं महेंद्र भंते जी के पास से क्या कैसे बर्ताव करना चाहिए कैसे नहीं। हमें गौतम बुद्ध ने तो सब सिखाया है लेकिन बताया है, लेकिन यहाँ आके ये इधर कुशीनगर में महेंद्र भंते जी की वजह से रहने को मिलता है, हमारी सब सोई होती है और हमें अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए बार बार। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप मैडम? मेरा नाम गौतमी शशिकांत सिरसाट, मैं नासिक से आई हूँ और मंदाकिनी दानी और जय सीताई के साथ आई हूँ, क्योंकि हमें जय सीताई ने पिछले बार भी यहाँ बुलाया था हमें सेवा देने के लिए, तो तब भी हम आए थे। अभी हमारा तीसरा टाइम है। महेंद्र मंदिर जी का जो वर्ताव है वो बहुत अच्छा है कि करुणा जैसा है, जब अपन पुकारते हैं करुणा का नाम लेगा तो अपने आपके सामने भगवान बुद्ध आते हैं, वैसे ही महेंद्र भंते जी सबके पास करुणा रखते हैं, सबको बुलाते हैं। अभी देखो हम नासिक से आए हुए लेकिन हमें लगा नहीं कि हम नासिक से आए हुए, हमें लगा कि हमारा ये मायके है और इतना अच्छा हमारे सेवा हमें कहीं नहीं मिले, ये विहार में मिले, महेंद्र भंते जी के विहार में मिले। जब रथ निकला था, हाथी निकले थे, जो सरावी निकल लेते, तब महेंद्र मंत्री खुद पैदल चल के हमें रेत पे बिठाया,
जो औरत का सम्मान करना चाहिए, भगवान बुद्ध ने वही कहा कि आप औरत लोग का सम्मान करिए। और औरत लोग का सम्मान महेंद्र पंती जी करते हैं, सबको बेटी बहन जैसे संभालते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और हमें ऐसा लगता ही नहीं कि महेंद्र पंती जी हमारे बड़े गुरु है, हम उनको सचमुच नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं। और हमारी जो टीम है, हमारी जो महिला की टीम है, हमें नेक्स्ट टाइम हम उनको कटिंग चिवर के लिए जरूर यहाँ पे बुलाएंगे, जिसके शुरू के हम जय भीम नमो बुद्धाय। आप माता जी, आप तो सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। अभी ये मेरी कोई बेटी होगी, कोई बहू होगी, कुछ न कुछ तो होगी, इसीलिए हम साथ में आए हैं। अभी मैं यहाँ कब के आती है, ये पहला मंजिल हुआ था ना, तो जैसे आती है, लेकिन ये अपना महेंद्र भंती जी का जो काम है, तो ये दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं। इधर बहुत प्यार मिलता है, खुशी मिलता है, गरीबों का जब खुशी रखते हैं, उनको दान धर्म करते हैं, तो अपन उनको भी ऐसा दान करना चाहिए। तो हम सब नासिक वाले, महाराष्ट्र वाले ज़्यादा आगे है ये दान में, भले या कोई भी दान हो या रूम हो, कुछ भी या हो, आनंद कुटी हो, अभी भी बुद्ध गए का भी दान उधर बहुत सभासद हुए हैं। तो ये ऐसे मैं बहुत देखते आई है, तो मैं साल में एक बार धम्म यात्रा निकालती है। तो वो धम्म यात्रा कैसे निकालती है कि जो ये बुद्ध धम्म में मैं जो पढ़ी, ये भी छोटे थे भंते जी इतने तो मुझे क्या मिला तो ऐसे दिखाना नहीं, देखते नहीं, गहना पहना तो दिख जाता है, भारी साड़ी पहनी तो दिख जाती है, लेकिन ये धम्म को क्या, धम्म क्या है ये अंदर अपना मन में, ऐसा पहला चित्त बोलते हैं, चित्त शुद्ध करने के लिए पहला खोज किसने, भगवान बुद्ध ने, मेडिटेशन, शांत रहना, शांति ये करना, अपने को अंदर खोजना, अपने को ये जो बाहर है, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं कि जो बाहर दुनिया में है, विश्व में है, ये सब अपन अंदर है, अपना अंदर है, लेकिन वो खोजना मांगता है। ये खोजने के लिए विपश्यना सबने करना मांगता है, तो ये विपश्यना का ये शिक्षा सबको देना चाहिए। इधर ये लोगों ने, ये लोगों में समझता नहीं है, तो यह थोड़ा थोड़ा करके वो लोग भी जो अनपढ़ है वो भी रास्ते पे आ जाएगा। अपन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपन मेरे को ये मिला, तो ये सबको मिलना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे वो आने वाले, क्योंकि महेंद्र भंते जी ने प्रोग्राम भी ऐसे हर साल वो बढ़ता जा रहा है, तो इनके पीछे हम महाराष्ट्रियन बहुत है, तो ये ऐसा साफ बोलने के लिए बहुत है, लेकिन अपन वक्त भी कम है। जो मुझे शांति मिली है, जो मेरा उम्र अभी 81 है, जो मुझे मिला वो सबको मिलना चाहिए, और सबके लिए ये भगवान बुद्ध का धम्मा का ये करना चाहिए, ऐसी मेरी सबको विनंती है। तो इतना बोल के मैं अब जी, क्या मैं महेंद्र भंते जी को ये कहना चाहती हूँ कि कल उन्होंने जो ब्लैंकेट दिए, ठंडी के वजह से जो दिए, दान दिए वो ब्लैंकेट, तो अच्छा ही काम है दान देना, लेकिन जो है जो अज्ञानी लोग है उनको बौद्ध धम्म दीक्षा देना चाहिए, और बौद्ध धम्म दीक्षा देंगे तो उन्होंने शिविर रखना चाहिए 8-8, 10-10 दिन का, क्योंकि यहाँ सब महिला एजुकेटेड है, वो आके उनको पढ़ाएगी। जैसे नासिक से ये जैसिका ही आती है, वो पढ़ाती है, वैसा रखेगी तो जो उनका अज्ञान है वो दूर होके उनको ज्ञान मिलेगा, ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि और उनका धम्म और बढ़ेगा। मैं ऐसे उनको मैत्री भावना देती हूँ, धम्म तो बढ़ने वाला।